जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आई निकाल रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस के खास खबरों पर। रियासत तेलंगाना में यौम आज़ादी की तकरीबात धूमधाम से मनाई गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज सुबह प्रगति भवन में उनखीदा यौम आज़ादी की तकरीब में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पहुंचकर फौजियों की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। तारीखी गोलकुंडा फोर्ट में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के तारीखी किले गोलकुंडे में कौमी परचम लहराया। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने डिरेक्टरेट में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी देश के तमाम सिटीजन्स के लिए एक फखर का लम्हा है। उन्होंने ये याद दिलाया कि हर किसी को जिम्मेदार शहरी के तौर पर इसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। यौम आज़ादी के मौके पर जामियतुल उलेमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के दफ्तर अंबरपेट में मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जामियतुल उलेमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले 1672 में आजादी की आवाज हजरत मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी ने 150 साल पहले बुलंद की थी। यौम आजादी के मौके पर जीएचएमसी के मलकाजगिरी सर्कल में कौमी परचम लहराने के मौके पर टीआरएस और बीजेपी पार्टी वर्कर्स में तशद्दुद का वाकया पेश आया। बीजेपी के कॉर्पोरेटर श्रवण पर टीआरएस पार्टी के वर्कर्स ने हमला कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया कि एमएलए हनुमत राव की मौजूदगी में हमला किया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वाति लकड़ा और एसीपी जनगांव वेस्ट जोन बंडा श्रीनिवास रेड्डी के साथ तेलंगाना के दीगर पुलिस अहदेदारों के प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए इंतखाब किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने गैलेंट्री अवार्ड के लिए 14 पुलिस अहदेदारों को मुंतखब किया है। इसी तरह बेहतर खिदमत पर दीगर 11 पुलिस जवानों को मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुसलमान एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी की अपील पर टीआरएस के हक में वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं और अवैसी ये समझते हैं कि टीआरएस की स्टेयरिंग इनके हाथ में है। वो जो चाहे टीआरएस हुकूमत से मनवा सकते हैं, मगर जब पार्लियामेंट में 3 तलाक के बिल पर बहस जारी थी तब टीआरएस के चिवेला से एमपी रंजीत रेड्डी ने किस तरह बिल की तारीख में बयान दिया। आईटी मिनिस्टर तेलंगाना के तारक रामाराव ने माली मुश्किलात के सबब एमबीबीएस की तालीम अधूरी छोड़ देने वाली लड़की को मदद का यकीन दिलाया है। ये लड़की अपनी माँ के साथ सब्जियां फरोख्त करती है। ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले केटीआर जो लोगों को कई तरह की मदद करते हैं, ट्वीट करते हुए कृष्णा मोहन नामी शख्स ने केटीआर को इस जानिब तवज्जा दिलाई। देशभक्ति का तो सभी दावा करते हैं, तहम शहर हैदराबाद के एक ऑटो ड्राइवर आवाम की खिदमत करते हुए देशभक्ति का मुजाहिरा कर रहा है। नल्लाकुंटा के रहने वाले बालाजी पुरुषोत्तम ऑटो ड्राइवर है और वो ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते हैं। पुरुषोत्तम हर 15 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन सुबह से शाम तक पैसेंजर को फ्री सर्विस देते हैं। पिछले 24 साल से वो इसी तरह काम कर रहे हैं। आशिक की मां ने माशूका पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शरीर जख्मी हो गई और सीरियस है। ये वाकया कल रात तेलंगाना के जगतियाल टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शिवानी पर इसके आशिक की मां अरुणा ने लोहे की रॉड से हमला किया।
किसानों को खेती बाड़ी के नए तरीके बताना और उनको कम खर्च में ज्यादा मुनाफे वाली जिरात के फायदों से वाकिफ करवाने के लिए तामीर करदा रैतु वदिका में शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले विकाराबाद के नस्कल गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस गांव के रहने वाले टीआरएस लीडर ने अपने बेटे की शादी इस रैतु वदिका के हाल में अंजाम दी। नान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके फोर लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन।